ये पूरा रूम हम लोगों ने अभी खाली किया था, बाहर सारा सामान रखा है, ये सारा सामान। और दीदी ने इतनी भारी भारी लकड़ियाँ उठाई हैं और ये सारा सामान निकाला है हम लोगों ने, इतना सारा सामान देखो। और देखो मेरी दीदी कितनी मेहनती है, कितना काम कर रही है बेचारी। नहीं यार, तुम मिलके कर रहे हैं, मैं जस्मी और तमन्ना ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी हालत को बिल्कुल इग्नोर करना, बिकॉज हम छत पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम सफाई कर रहे हैं और छत पे इतनी धूल मिट्टी, इतनी गंदगी है। हमने काफ़ी हद तक छत साफ़ कर ली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी भी आपको गंदी लग रही होगी, बट देखो हमने रूम कितने अच्छे से साफ़ कर दिया। बच्चों के लिए, सबसे पहले बच्चों के लिए तैयारी करी है, ये अच्छे से रूम सेट कर दिया है। अभी और कल यहाँ पे छोटू पुछे एक बार और करेंगे। और अब हमने लाइट यहाँ पे हम सजा रहे हैं, कैसे वो आप लोगों को फाइनल जब लुक होगा तभी पता चलेगा। अभी मैंने ये जगह भी थोड़ी सी साफ़ करी है, वहाँ पे पीछे लकड़ी वगैरह है सर्दियों में जलाने के लिए, लोहड़ी वगैरह में काम आती है, इस पर हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे सीढ़ी पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी झाड़ू लगा दी है यहाँ से, क्योंकि यहीं से एंट्री होगी सबकी। और अब हम क्रिसमस ट्री वगैरह ला के तैयारी करें, प्रॉपर शूट करते हुए नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज हम तीन लोग हैं, मैं, जस्मीत, तमन्ना, और हम तीनों ही काम कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा है नहीं एक्स्ट्रा जो शूट कर पाए। बट अगर एक्स्ट्रा होगा अभी तो हम उसको काम में लगा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। अब हमने नीचे से सामान लाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। ये रहे हमारे गिफ्ट, हमारी सेंटा कैप। अभी नहीं पता कितनी देर बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, बट चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाती रहूँगी आप लोग को। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग बहुत इन्जॉय करोगे और क्रिसमस का ब्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। गाइस, अब हम इसमें गिफ्ट टांगेंगे। गिफ्ट, ये ऐसा गिफ्ट टांगा कि वो उड़ के इनके पास ही आ गया। गिफ्ट कह रहा है मुझे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हम नीचे आ गए थे सफाई करने के बाद, और अभी मैं नहाई नहीं, बिकॉज अभी ऊपर जाना पड़ेगा, लाइट्स लगानी है, डस्टिंग हो गई, बट अभी लाइटनिंग का काम है, तो बस दीपू का वेट कर रही हूँ मैं। दीपू आ जाए फिर हम ऊपर जाएंगे, लाइट्स वगैरह लगाएंगे। और मायरा यहाँ पे है, खड़ी है, और पता नहीं कि इस टाइम जब मैं शूट कर रही थी मायरा बॉयल एग खा रही, बिकॉज शाम हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे से वेट कर रही हूँ, 6:30 हो गए, 1 घंटा हो गया, दीपू को भी टाइम लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती, बिकॉज रात हो गई है, मैं नहा लेती, शैम्पू नहीं करूँगी, शैम्पू कल करूँगी, बिकॉज अभी बाल गंदे होने ही ऊपर जाकर। तो मैं नहा लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक दीपू भी आ जाएंगे, फिर हम ऊपर चलेंगे लाइटनिंग करेंगे। मैंने नहा ली हूँ और वापस से यही वाला दीपू की स्वेटशर्ट डाल रही हूँ, ग्रे वाली, क्योंकि अभी गंदे होने कपड़े। और मैंने नहा कर निकाल कर गई हूँ अपने सॉक्स, और ये देख लो महाराजा पहन कर बैठे हुए। ये मैंने यार ये अपनी सॉक्स ही पहनते, दोनों मेरी सॉक्स पहनते हैं, क्योंकि ये गरम है ना इसलिए, तो मस्त है। जल्दी छत पे चलो, लाइट्स लगा, मुझे पहले कॉफी चाहिए। गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये है गुड वाइब्स का लिक्विराइज ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। मैंने बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे हॉल्स में आप लोगों के साथ शेयर करा है, जैसे कि अभी विंटर्स हो रहे हैं मेरे मेरे क्या हर किसी के हाथ पैर बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अच्छे से आपके हैंड्स को और पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर देता है। मैंने अभी यही लगाया हुआ है, तो गूगल पे अप टू 50% के ऑफ चल रहा है, और एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिलेगा अगर आप स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। इसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस है, लिक्विराइज है, ये लेवेंडर भी है इसमें, स्ट्रॉबेरी भी है, और भी बहुत सारे, और इसके साइज छोटा भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये वाला है जो ये है 400 ml है, प्लस 100 ml इसके साथ फ्री है, तो ये 500 ml है, पूरी विंटर्स आपकी इसके एक के साथ निकल जाएगी। उसका प्राइस है 599 rupees, जैसे कि 399 rupees है इस वाले का। फ्रेग्रेंस सबकी अलग अलग है, तो सबके अलग अलग प्राइस है, तो अभी अप टू 50% और एक्स्ट्रा 10% ऑफ पे तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलेगा। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे लगता है जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छे से ये हाथ को और फेस को मॉइस्चराइज कर देता है। मैंने सिर्फ ये लगाया हुआ और कुछ नहीं लगाया। सो यार चलो व्लॉग स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक 6 लड़कियां बहुत ही होगी, 6, 7, 8, 2 लड़कियां यहाँ भी है, पर हमने 10 सोचा था, लगभग हमने 10 भी नहीं आ पाएंगे यार, 10 की कम पड़ेगी, नहीं नहीं 10 का नहीं, 10 कम नहीं पड़ेगी यार, आसपास नहीं है तो क्या हो गए थे। नोनी नो, नोनी कैप लगाओ। हम लोग फिर से ऊपर आ गए हैं, तो रूम तो हमने सुबह ठीक कर दिया था, अब इसको और सेट करना है, बट हमने मोस्टली मतलब जो मेन चीज़ें थी वो तो साफ़ कर दी हैं,
और अभी दीपू ऊपर चढ़े हुए हैं लाइट्स लगाने के लिए। गाइस मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई हूँ, इतने ठंडे हो गए ना मेरे हाथ और मेरे फोन भी, और दीपू को ऊपर देखो पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, दीपू हाथ हिलाना वो रहे हैं। और हम यहाँ पे कर रहे हैं, जसमीत भी चली गई नीचे मायरा को लेके क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी ऊपर, और मायरा कैप नहीं लगा रही थी सर पे अपनी ड्रेस की। बस अब हम ये कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम भी नीचे चले जाएंगे, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। कल का मेन काम जो है वो शॉपिंग का है। तो गाइस हमारी सारी लाइट्स लग गई हैं, ये देखो कुछ इस तरह से हमने ऊपर लाइट्स लगाई है। ओह माय गॉड चलाओ ऊपर। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हम नीचे आके हमने फटाफट से खाना खाया और बस खाना खा के बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दीपू ने शूज़ लिए थे, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया ले पाए दीपू को, एक्चुअली जो लेने थे शूज़ मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी कि उसमें साइज़ नहीं था दीपू का, और ऑनलाइन भी दीपू कब से चेक करें उनका साइज़ जैसे ही आता है आप क्या हो जाता है दीपू आपके साइज़ का क्या इशू? डिज़ाइन नहीं, जो डिज़ाइन और कलर आपको चाहिए था। तो दीपू ना कल वहाँ बोल भी रहे, कहते मेरी किस्मत ही ख़राब है लग रहा है, मेरी किस्मत में प्यूमा ही है, चिढ़ गए दीपू थोड़ा सा। तो अब दीपू आपको दिखाएंगे दीपू ने क्या फाइनली शूज़ लिए, और मैंने मायरा के लिए भी आउटफिट और शूज़ लिए थे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मारे लो शॉपिंग बैग, अरे बहन नहीं है दीपू एकदम सही सही आपको साइज है ये वाला परफेक्ट है, वो जो था थोड़ा टाइट था। यूके 8 है 27 वो देखो 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 वो देखो जल्दी नाइस मुझे तो बहुत पसंद आया, ये है अच्छा पर मुझे साइज का थोड़ा वो इशू लग रहा है। इस लड़की को बिल्कुल डर नहीं है। शॉपिंग बैग जो कि मैंने पसंद किए थे, शूज मैंने भी करे थे देखो सही है ना। नाइस इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट मैं वो रोज गोल्ड और पीच कलर में जाना नहीं चाहती थी इसलिए कुछ ब्लैक लिए हैं। अरे वाह ये तो आउटफिट मैच सिंपल सा है लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे कलर की वजह से। कोविड सेट ये थोड़ा मुझे वो नहीं लगा, बाकी मतलब ये नॉर्मल डेली में पहनने का है यार, तो मेरे साइज की होता मैं खरीद लेता पहन के देखूं दीपू तो उंगली भी नहीं आ रही दीपू मेरे करवा चौथ का गिफ्ट अभी रह गया है, ये ले ना ये ले इसका मैं क्या करूंगी, सबने बोला है भैया से करवा चौथ का गिफ्ट लो। एक 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 मारा कभी मारा पहनेंगे कभी तू पहन, ये मेरे को आएंगे तो हाथों में पहन ले, हाथों में तो आ ही जाएंगे खराब कर आप उसकी। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं कल के बाद से अब व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, रात को सो गए थे बहुत थक गए थे तो हमने लाइट्स वगैरह तो लगा ली थी, और अब हमारी चेयर टेबल भी आ गई हैं सारी चीज़ें, और हम छत धो रहे हैं बिकॉज मिट्टी बहुत हो रही है और लकड़ी वगैरह बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं तो सब साफ़ कर रहे हैं। तो गाइस पहले हमने
हाफ छत धो दी है उतनी, और अब हम इस साइड की धो रहे हैं। और अब आप लोग कहोगे आप भी कुछ कर लो, तो मैं कर ही रही हूँ। मैंने जो थोड़ा सा दिखा देती हूँ, साथ साथ शूट नहीं कर सकती ना, काम करते करते पानी ला रही हूँ। और बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन वाट भी लग रही है साथ। और चेंज कर ले, चल प्रिया चल। इसमें वाला काटा आता है, कांटे लगी। अब हम आ गए हैं नीचे, और अब हम मिलेंगे हमारी मायरा मामा। ब्रशी कर रहे हो? हाय गाइस, पता नहीं क्या हो गया, ऊपर मेरा हाथ ही वाला पूरा स्वेल हो गया। भारी बाल्टी, मैं सिर्फ पानी की बाल्टियाँ उठा उठा के फेंक रही थी, भर भर के पानी, और मेरा यहाँ वाला हाथ इतना भारी हो रहा है, स्वेलिंग हो गई इस हाथ में। ऐसा लग रहा है ये वाला हाथ एकदम भारी भारी। मैंगो। मेरा अच्छा, मायरा को निला दिया है, और तैयारी अभी भी रह रही है, अभी सारी चीजें लेनी है। पहले मैं कुछ खाऊंगी, भूख लग गई है। चाय भी नहीं पिया आज, तो ऐसी चली गई थी ब्रश करती फटाफट से ऊपर, भूख लग रही है ना। गाइस सुबह की सारी तैयारी करने के बाद अब हम सीधा शाम को आए हैं बाहर चीजें खरीदने, डिस्पोजेबल वगैरह, बारबेक्यू का सारी चीजें, मैरिनेशन का सामान, और टिक्के वगैरह दीपू ले आए थे, चिकन एंड कबाब का सारा कीमा वगैरह। और अब हम डिस्पोजेबल लेने आए हैं, मेरे जस्मी जीजू दीपू मैं मायरा। अब हम यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वगैरह बच्चों के लिए, शेक्स वगैरह और पानी वगैरह लेने आ गए हैं, वो सब ले रहे हैं। तो एक पार्टी को करना इजी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, जो कि हमें पता है, कोई हमसे पूछे। अभी इसके बाद भी काम ख़त्म नहीं होगा, अभी और भी चीज़ें लेनी रह रही हैं। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, और बाहर सेंटा खड़ा है, मैं मारा का रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। कुछ खाने आए, हमने लिए पैटी, हमने लिया है मेरे लिए ग्रिल्ड पनीर कुलचा, एक वेज पॉकेट। पीछे जो बैठे हैं दर्शक मजे ले रहे हैं, एक टमाटो चीज ग्रिल्ड सैंडविच, और मायरा के लिए पेस्ट्री फ्रेंच फ्राइज ले रहे थे, बट उसमें टाइम लग रहा है। उसको देखो मायरा, दिखाती हूँ रिएक्शन, दिखाती हूँ एक मिनट को मायरा, ये देखो। आ जाओ। ने खा पी लिया, और अब हम केक देख रहे हैं, सिंपल सा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा हम ऐसा कुछ नहीं बनवा रहे हैं, नॉर्मल सिंपल केक ही ले रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार मैं कोई केक नहीं बनवा रही हूँ। गाइस हमने फाइनली सारा सामान ले लिया, और अब हम निकल रहे हैं घर। मीतू मैं जीजू और रणवीर हमारे साथ हैं, और रायमा चाचू आ गए थे मायरा के गाड़ी लेके ऊपर, जहाँ पे हम सामान ले रहे थे, तो मायरा उनके साथ चली गई, जसमीत और अपने मतलब चाचू और चाची के साथ। गाइस बाहर से आते ही हम लग गए थे बस चिकन विकन धोने में, और कीमा बनाया है इसका चिकन का, और ये एक और कीमा है, मटन कीमा है, ये मटन है ना दीपू, ये वाला ये मटन कीमा है, ये चिकन कीमा है, और ये चिकन टिक्के के लिए भी धो दिया है मैंने सारा, दिखाना एक बार। चिकन टिक्के के लिए इतना सारा चिकन धोया, तो आप ही बस इस सब में लग गए थे, और अब मैरिनेशन का काम भी कर रहे हैं, और यहाँ पे सारा मसाला पिस रहे हैं, और मैरिनेट करके रखेंगे सुबह के लिए, ताकि बस सुबह सीधा बारबेक्यू करना। नमक भी अभी डाल दूं ना? वो अभी जैसे ही मसाला पिसेगा, मिक्सी चलेगी, तो जरा मायरा की शक्ल देख लेना, दीपू दिखाना मायरा का रिएक्शन, पता नहीं मिक्सी ड्रायर से इतना डर लगता है। ओ पहली पहली 1 2 मतलब हब कर दो, हब कर दो, गंदा चीज। वो डाल दिया रे मटन के अंदर, मसाला लग गया रे। ये हमारे दीपू जी ग्रेट शेफ,
ये वाला चिकन का मैरिनेशन। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, फ्राई कर लेते हैं तवे पे। इसका नमक मिर्च कैसा है, फिर जो होगा डाल लेंगे। और लगा पहले तवे पे मिर्च। ये इसका पता चल जाए, फिर मैं धनिया काट के डाल देती हूँ। किसके ताऊ, किसके ताऊ? क्या वो टेस्ट कर लो ना, सही हो जाता है। धनिया भी है ना, थोड़ा कलर अच्छा लगता है। हाँ नहीं, धनिया चिकन टिक्की का मैरिनेशन, मटन सीख और चिकन सीख का हो गया है। बाकी पनीर वगैरह कल करेंगे। हाँ हाँ, वो पनीर और सोया का सोया चाप कल कर लेंगे। हम थोड़ा सा ना